ओके डे टू ऑफ राइड टू ले, कल रात को 12:30 तक हम लोग पन्हों के पास पहुंच गए थे। सोचा बिलासपुर में कहीं पे जगह ले लें, बट 13 किलोमीटर और अंदर दिखा रहा था, फिर हमने हाईवे में ही कुछ ढूंढ लिया। बाहर का व्यू कुछ इस तरह है, रूम बहुत अच्छे हैं यहाँ के। पांच लोग ले था, हम 3 लोग निपट गए। 2 रूम ले लिया 1800 में, सही पड़ गया। मैं भी सामान तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब बस अराउंड टाइम क्या हुआ है, 3 घंटे की मस्त नींद मारी हमने, 6:34 हो गया है। बस अब 5-10 मिनट में निकलेंगे। ये था हिडिम्बा होम स्टे, ग्राउंड फ्लोर बन गया, ऊपर के 2 फ्लोर बचे हुए इसके। आज होपफुली ज़्यादा ब्रेक ना दे, ऑलमोस्ट 8 बज गए निकलते निकलते। चलो फिर डे टू ऑफ द जर्नी टू द लद्दाख दादा करते हुए निकलते हैं। चलो फिर द जर्नी बिगिंस। बाकी 2 बंदे आगे निकल गए, हम जरा इंट्रो इंट्रो खेलते हुए निकले। तो था कि ये व्यू देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा फिर से। चलो इच्छा पूरी हो गई, रात को यहीं स्टे मिल गया। कहना दुख नहीं होना चाहिए कि बाद में यार आ नहीं पाए, तो बस यहीं पे स्टे मार गए हम लोग और अब ये व्यू देखते हुए निकलेंगे आगे। ओ टनल नंबर 4, कल रात को अराउंड कितना 2-2.5 बजे का ठंड शुरू हुई थी यहाँ पे, हमको तो लगा था गर्मी ही रहेगा, बट ठीक है। बट अब मेन वाली ठंडी तो चालू हुई नहीं है, ये तो खाली पहाड़ों की थोड़ी रात की रहेगी। एक बंदा आगे चल रहा है मेरे, ये है अपना क्लासिक 350 पे, मीटियोर 350 आगे निकल चुकी है, उन्हीं को लेट लगता है तो वो कैचअप खेलते हैं, तो हमने आगे भेज दिया, बोला तुम निकलो हम ज़रा अपना करके आते काम। ओहो क्या व्यू है टोल के साथ, NH 154, मज़ा ही आ गया। मैं सोचा सुबह जल्दी जल्दी निकलूं, बट इन्होंने एटलीस्ट 2-3 घंटे तो सोने दो। मैं सोचा था व्यू देख नहीं पाऊंगा, बट रात को भी क्या लग रहे थे ब्रिजेस एकदम लाइट मस्त वाले लिट अप होके। ओह मेरे को तो नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड 2 की याद आ गई थी, उसमें भी ऐसे रोड्स थे, ऐसा ब्रिजेस के पास गाड़ी भगाते रहो हम लोग, मज़ा ही आ जाता था उसमें भी। चलो ये इच्छा भी पूरी हो ही गई अपनी। हाँ तो कल क्या, हाँ कल बद्दी के बाद जो गांव के अंदर से निकाला है, सब लोग ये सोच रहे थे हाईवे का टच होगा यार, वहाँ से भी शॉर्टकट मारने के चक्कर में अच्छा खासा डिस्टेंस ले लिया हमने और फिर निकले और यार रोड टच किया, वरना यार पूरा ऐसा व्यू मिस हो जाता अगर रात में निकल जाते। चलो कोई नहीं, हमने स्टे ऑप्ट कर लिया, अच्छा ही हुआ। ये मस्त वाले व्यू देख के सुबह सुबह नींद खुल गई हमारी। बस अब यहाँ से निकलेंगे मनाली, उसके बाद स्पीति, और स्पीति में घूम फिर के वापस लेह के लिए जाएंगे। यहाँ से तो 570 किलोमीटर दिखा रहा है ले, अराउंड 6 किलोमीटर चलाए हम लोग। इधर तो वेदर ही चेंज हो गया है, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है अब तो। ओहो अभी थोड़ा एल्टीट्यूड गेन करेंगे ना अच्छा खासा, वैसे भी कल ज़्यादा हुआ नहीं था। मनाली के बाद ही जो मेन एलिवेशन होगा ख़तरनाक टाइप्स का, वैसा उधर से चालू होगा, बाकी तक तो नॉर्मल ही है। चलो मनाली तक तो पहुँचे। मंदी 27, कल यहाँ रुकने का प्लान था बट नहीं हो पाया रात में। मनाली 135, मेरे को लगता नहीं हाफ अ टैंक है गाड़ी में, आगे तक थोड़ा चलाते हैं और फिर फ्यूल अप करते हैं एकदम फुल टंकी भर के। इज इट अ लेक, ओ क्या व्यू आ रहा उधर, एकदम फॉग के अंदर पूरा सिटी है। पहुंच गए मंदी, यहाँ पे तो स्लो मूविंग ट्रैफिक है, अभी पूरा मार्केट डॉच करते हुए निकले हम लोग आगे। खाली जिसका बैग ज़्यादा ना उसको बचा के निकालना पड़ता है, बाकी हम तो खाली घूम रहे हैं। चलो निकल गए ऑलमोस्ट यहाँ से, गुरुद्वारा, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी। बस ऐसे हल्के हल्के आराम आराम से निकल जाए। ये पहला ट्रैफिक इनकाउंटर किया हमने अपने पूरे ट्रिप में, ऐसा एकदम फुल स्टॉप हो गई थी हर जगह। वो तो बाइक है तो गैप वैप निकाल के निकल गए हम लोग। चलो ट्रक को ओवरटेक करके निकलते हैं, मनाली 108। चलो फिर लेट्स गो टू मनाली। मंदिर से पहले तो क्या मस्त कलरफुल बिल्डिंग्स थे। ये ट्रक के पीछे क्या लिखा है, नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। चलो मान लिया। ये रहे वाले घर। ट्रैफिक तो वहाँ का डॉच कर लिया, अब ये व्यू देखते हुए निकलते हैं आगे। माउंटेन्स नीचे, रिवर इधर, हम अब कुछ मज़ेदार रोड चालू हो जाएंगे यहाँ से लेके पूरे लद्दाख के सर्किट पे होपफुली। चलो देखते जो होगा देख लेंगे। ओहो रोड अपडेट, एक डेढ़ घंटे पहले मीटियोर का क्लच वायर टूट गया। अच्छा सा टाइम पास हो गया, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया। यहाँ पे हमने टैंक फुल करा दिया है। दिल्ली से 450 किलोमीटर हो गया था यहाँ पे फिल अप किया, तो 8 लीटर तक गया है बाइक के अंदर। द जर्नी कंटिन्यूज। ताकोली टोल प्लाजा पहुंच गए। यार बहुत ही तेज जा रहे हैं हम लोग, एक एक दिन में 200-300 किलोमीटर ही कवर कर रहे हैं आराम आराम से ब्रेकें मार मार के। इस हिसाब से हमारा जो ट्रिप का हमने डेट्स फाइनल किए थे सब आगे पीछे हो गया है। अब शायद से एक दो दिन एक्स्ट्रा ऐड भी होगा। चलो कोई नहीं, एडवेंचर करने आए हैं, एडवेंचर करते जा रहे हैं ये माउंटेन्स देखते हुए। इधर का तो क्या व्यू चालू है, ऐसा दोनों तरफ मस्त माउंटेन, बीच में ये ब्रिज, ऐसा मस्ती करते हुए जाने का मियाँ। कितना है मनाली अपना, 56 या 58, अरे बीच में डंडा आ गया दिख नहीं रहा, हाँ 58 है मनाली, ले 485। अरे भाई साहब वॉल ले लो, अंदर दबा दो गाड़ी पूरी। और क्या व्यू चालू इधर का, रोड रिवर माउंटेन, नेक्स्ट लेवल चल रहा है जो भी है इधर। होपफुली ज़्यादा कोई स्टॉप देना, कल बारिश ने हमें 2-3 घंटा वेट करा दिया, आज इसकी बाइक के क्लच वायर ने करा दिया। वेट करते करते दिन निकल रहा है। धोलू नाला टोल, ओहो यहाँ से अराउंड कुछ रहेगा 25-30 किलोमीटर्स और मनाली। अरे मनाली मनाली करते रह गए, एक बज गया, अभी 2-3 दिन और लगेंगे लेह तक पहुंचने में, क्योंकि मैंने स्पीति को भी ऐड कर रखा है ना। अरे अभी तक तो रियल ट्रिप मेरा चालू हुआ भी नहीं है, ये तो खाली पहाड़ों में थोड़ा मज़ा आ तो रहा है, बट एक बार लद्दाख एंटर करेंगे तो कुछ सीन चालू होगा ना उधर का। बस पूरे रास्ते ट्रैफिक के मजे लेते हुए आ रहे हैं। पहाड़ों का व्यू तो है, बस यही देखने निकलते हैं। उफ, 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 उफ। अपना कितना है वन, अभी सुबह से खाली 100 किलोमीटर हुआ है हमारा, बहुत तेज जा रहे हैं हम लोग आज। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम होना चाहिए। लेस 490, रोहतांग, आज मैं चेक कर रहा था रोहतांग पास बंद है, तो अटल टनल से होते हुए जाएंगे मनाली 14। अरे रोहतांग जाना था बट पता नहीं अब, आज तो बंद दिखा रहा है, कल खुला होगा वो, चल देखते हैं। प्लानिंग तो बहुत भारी चल रही है हमारी हर जगह की, एग्जीक्यूशन तो उससे ही भारी चल रही है। क्या ही बोल सकते हैं इस ट्रिप के बारे में,
बाबा, तो मनाली तो पहुंच गए। अब यहाँ से अपना रूट चेंज करेंगे और फिर निकलेंगे टू स्पिति वैली। अच्छे व्यू चालू हुए नहीं, बट इससे भी मजे ले लेंगे। अपना तो मेन टारगेट लद्दाख ही है। चलो तब तक ये भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे तो क्या हेयर पिन से, ओए होए बदो बद्दी। ओए हाय मजेदार, अरे नेक्स्ट लेवल। ये रोड ब्लॉकर्स आ गई छोटी छोटी सी। ओहो मनाली पहुंचे लेकिन रुके नहीं, मनाली फिर कभी। अब ये मजबूत वाले टर्न्स मारते हैं। अब ऊपर चढ़ जाएंगे, अटल टनल से मारेंगे अपना राइट और निकलेंगे स्पीति इज द वैलीज के लिए। आए हाय, ये तो क्या लग रहा है ओए। एंड नो ऊपर से देख, वाले माउंटेन पे तो स्नो भी है। तेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, वरना फोटो निकालता था नू इधर। हाँ हाँ, तुम तो घूमने फिरने वाले हो ना, आते हो लेके लोग। हम ही पहली बार पहुंचे हैं यहाँ पे। क्या ट्रैफिक हो रखा है, दोनों तरफ गाड़ियाँ लगा के टाइम पास चालू है। अरे इतनी पब्लिक होती है, ब्लॉक करने का मन ही नहीं करता। इधर देखो, इधर थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है। ओहो ये तो क्या लग रहा है, एकदम मस्त पहाड़ भीड़। बस अभी अपन को वेट है माउंटेन ऑन आइस। उल्टा तो नहीं बोल दिया, आइस ऑन माउंटेन भी हो सकता है, वही है, हमने उल्टा किया, नॉट अ प्रॉब्लम। और आगे रोड तो मेरे को क्या दिख रहा है ना, कर्व्स। अरे इधर हुई थोड़ी ठंड, सुबह निकला था तब लग रही थी, तब मज़ा आ रहा था, उसके बाद धूप हो गई। क्या नज़ारे लगे हुए हैं, दैट इज वॉट आई कॉल्ड आइस ऑन अ माउंटेन। ओ ग्रीन, और उसके ऊपर पहाड़ पे बर्फ ऊपर में। ओहो यहाँ से द फन रोड स्टार्ट्स। मनाली तक तो खाली पहुँचने पहुँचने तक की टेंशन थी, बस एक बार पहुँच गए तो बाकी सब अपना ढिंक चिक्का। ओहो बीआरओ ने भी क्या रोड बनाए हैं इधर। जो जो जाता है इन रोडों पे उनको थैंक यू बोल के जाने का, बहुत ही मजबूत काम इस हाई ऑल्टीट्यूड पे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे नाम भी उन लोगों का। तभी तो बोला ऐसा, इंडिया का पब्लिक कम नहीं है, काम करता है तो बहुत भारी और नहीं करता है तो बिल्कुल नहीं। बस तीनों बाइकें लगा दी है, यहाँ पे एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लिया है। अटल टनल भी 5 किलोमीटर में आ जाएगा। यहाँ के रोड तो बहुत ही मस्त है, 3 से 4 मस्त वाले हेयरपिन्स हैं। उसके बाद अपना अटल टनल स्टार्ट, वहाँ से लेंगे अपन लोग राइट और स्पीति के लिए जाएंगे। जहाँ तक मन किया गाड़ी चलाएंगे और बाकी स्टे करेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे, उसके बाद कल सुबह देखने, वरना वैसे भी शाम हो ही गई है, अब क्या ही करेंगे जाके वहाँ पे, कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाएगा, अंधेरे में थोड़ी चलाना है इतनी अच्छी जगह पे। क्या व्यू आ रखा है इधर तो, एकदम मजबूत। यही माउंटेन हम तो से देख रहे थे।
इधर भी क्या सीन है, इधर भी क्या सीन है। मनाली के बाद अपने मजे ही मजे। बाइक भी क्या खींच रहे ना इन घाट्स पे, 70 किलो का बंदा पीछे बैठा के। अटल टनल 2 किलोमीटर, बस पहुंच गए हम भी। ये माउंटेन्स का व्यू देखते हुए, कभी कभार गियरों में गाड़ी थोड़ा इशू कर रही है, बट क्या मक्खन जा रही ना ये बाइक भी। 2016 मॉडल FZ वर्जन 2। पहाड़ों पे मेरा साथ देते हुए। ओए होए क्या टर्न्स इधर के। क्या बोल रहा है, यहाँ नहीं कर सकते ना, वहाँ ही कर सकते हैं। बच्चों चल चल, ये हम घुसे अटल टनल साउथ पोल। स्पीड है 40, हम रखेंगे 38-37। धीरे धीरे जाएंगे, टनल घूम के आएंगे। मेरा मूड नहीं था अटल टनल घूमने का, मैं रोहतांग के लिए निकला था। ये इतना बड़ा टनल खत्म ही नहीं हो रहा था, अब जाके हो गया। अंदर लग रही थी भाई जोरदार ठंड। हो पहुंच गए हम लोग अटल टनल। यहाँ से अपना मारना है हमें व्यू के लिए टर्न। किसने कहा तुमको गाड़ी किधर लगाऊं? ओके। ओहो अटल टनल क्रॉस करने के बाद तो नज़ारे ही नज़ारे। वो रहा अपना आइस ऑन माउंटेन वाला सीन, ये अटल टनल का लेफ्ट साइड। अरे मस्त, चालू इधर भी सीन। और ये रहा ट्रक, चला गया राइट साइड का व्यू। ओह अंदर तो एक नंबर ठंड थी, बाहर जाके कुछ सीन चालू है। ऐसा सरियल लग रहा है ना ये व्यू, कसम से क्या माउंटेन्स है। चलो मुंबई से ना ट्रिप वर्थ इट हो गया इधर पहुँचते पहुँचते ये व्यू देखने के बाद। ये तो अपना वैसे स्टार्टिंग ही है, इसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं जो देखेंगे। चलो आगे निकलते हैं यहाँ से। यार सुबह वो मनाली में गाड़ी चला चला के ना नींद से आने लगी थी एकदम, ट्रैफिक में करते हुए। इधर आते फुल एनर्जी चालू, फिलअप होना बॉडी में। और ऊपर क्या व्यू है वो माउंटेन्स का, ओए होए। नीचे भी व्यू, ऊपर भी व्यू। थोड़ी बहुत ठंड भी चालू गई यहाँ पे, बट ये व्यू देखने के बाद अपने तो मजे ही मजे। मेरे को पता था मनाली तो थोड़ा ऐसे ही रहेगा रोड। उसके बाद जब हम ऊपर पहुंचेंगे फिर आएगा कुछ एनर्जी बूस्टर व्यू। क्या रोड है, क्या व्यू है। नेक्स्ट लेवल, ऐसा लग रहा ना पूरी दुनिया HD में चल रही है। 4K रेजोल्यूशन, इतना क्लियर दिख रहा है। बट ये व्यू देख के तो क्या मजे आ रहे हैं, क्या सीन है अपना भी। ऐसा मस्त एक दिन में ट्रिप प्लान के यहाँ लद्दाख निकलते हैं, फिर कभी भी मुंह उठा के निकल के घर से, टाइम का कुछ पता नहीं, कब पहुँच रहे कहाँ वो भी नहीं पता, बस बाइकें लेके निकल गए। यही तो होते अपने रोड ट्रिप, कभी भी कहीं भी निकल जाओ। ओए होए नज़ारे हैं ये तो पूरे, पैसा वसूल।
डे टू पे अपना मेन रोड ट्रिप चालू। स्पिति वैली इट्स ऑन। इधर वाटरफॉल भी दिख रहे मेरे को, ऐसा मुंह में पानी गिर रहा है, छींटे छींटे एकदम। यार भारी वाले वाटरफॉल भी चालू है इधर। कोई रिग्रेट नहीं कि सुबह पहुंचे कि शाम को पहुंचे, बस पहुंच गए ना, वो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, बाकी तो आगे पीछे होती रहेगी चीज़ें। ओह मेरा फ़ोन ये गिर गया कहीं पे और अच्छा खासा डिस्प्ले का गेम हो गया है। 6 बजने वाले हैं अब। प्लान तो ये हो रहा है कल सुबह 5 बजे निकलेंगे, क्योंकि पुलिस वालों ने रोक के बोल दिया कि कल सुबह आना 5 बजे। वैसे हम यही सोचे थे कहीं रुक जाएं और बाद में ही निकलें। चलो फिर होपफुली अगर हो सके तो कल सुबह निकलेंगे 5-6 बजे आराम से, स्पीति करेंगे उसका सीधा ले निकलेंगे। चलो आगे कुछ अपडेट बताऊंगा, नहीं तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं, मेरे लिए भी सरप्राइज ही रहेगा। चलो देन।